कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हंसे क्यों ये बताइए। किसी राज्य में एक राजा राज करता था, उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाते हैं। परंपरा के अनुसार सातवें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार ये जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वो बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा, उसे जानवर पक्षी और जीव चरों की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र ये बात आपको गुप्त रखनी होगी, किसी को वो मालूम नहीं होनी चाहिए, महारानी को भी नहीं। यदि ये बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा ठीक है, कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, राजा ने वो बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। तो समय गुजरता है, राजा बड़े लाड़ प्यार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वो जवान हो जाता है तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। तो और दो चार साल गुजरते हैं। इस राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और ये राजपुत्र जो है वो राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वो गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा, पुत्र तुम्हें सब पक्षी जानवर जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है, नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है, उसके राज में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता क्या है कि एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के लिए पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसे क्यों बताइए ऐसा ही कहती रहती। इस तरह रात के 12 बजते हैं, आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकलता है। रानी एक ही रट लगाए बैठती है, हंसे क्यों बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी अन्न जल कुछ नहीं लेती। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरह से समझाता है लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं क्यों हंसा, लेकिन ये बात यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताता हूं तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आप हंसे क्यों, सोच लो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता था। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती, हंसे क्यों। राजा कहता, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना। हाँ बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा, फिर भी रानी की हंसे क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वो कहती जा रही थी, हंसे क्यों। तो उधर राजा क्या करता कि प्रधान को बुलवा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली, वह वहां क्या कर सकता था। प्रधान सिपाहियों को राजा की चिता की तैयारी करने का आदेश देता है।
सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से ये बात सारी प्रजा में फैल जाती है, राजा मर जाएंगे। ये सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों ये बताइए कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुंह तक आ जाता है, लेकिन वो कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर ले जाती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो गया हो। वो रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसे क्यों ये बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों ये बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता। वो शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए मिले। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वो बकरे से कहती है, अजी बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते दूंगा। अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़े ही हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़कर दीजिए, मुझसे वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो, ऐसा क्यों करते हो आप। तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। उधर देखिए, पत्नी के हट के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वो आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वो राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा, वो बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों। अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनियां तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ, आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों ये बात बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें, वहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पर बताइएगा तो चलो चलते हैं घर, रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस आती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे, घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती, सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां बहुत लचीली होती हैं और उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है, लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी, आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा को पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे। कुछ नहीं, आप जाइए। बेचारा प्रधान मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा अंदर जहां रानी बैठी थी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को छपा छप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है, दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है, तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था। उसी अवस्था में रानी बोलती है, क्यों हंसे थे आप।
मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा कहता है, ना भगवान, मैं अब कभी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। कहकर वो राजा के पैर पकड़ने लगती है। राजा उसे ऊपर उठाता है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। इसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां। जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ रामधन बाजीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ रामधन अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई नहीं डाल सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी साथ छोड़ जाती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास एक बार राम ही राम बाकी रह गया। कारोबारी घाटे के कारण धन सारा उड़ गया। रातों रात वो धनी से निर्धन हो गया। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय में तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। रामधन बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्म पत्नी राधा का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वो उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो ये धन आप फिर कमा लोगे। राधा, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता, तू क्या चिंता है। लो, मेरे गले का हार गिरधारी लाल जौहरी के यहाँ गिरवी रखाओ। जो धन मिलेगा उससे हम नया कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन ये कारोबार यहाँ नहीं, किसी बड़े शहर में शुरू करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामधन को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। रामधन उसी समय सोने का वो कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नजरों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि ये बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि एक वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका ये हार जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा ही नहीं था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। किराए का छोटा सा मकान, इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे थे। नए शहर में धंधा जमाना इतना सरल काम तो नहीं था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। अब तो शहर से बाहर ही रामधन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहीं पर खान पान का प्रबंध करके वो किसानों को अपने पास बैठा लेता। पहले तो उन लोगों के खान पान का धंधा शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनसे उनकी फसलों का सौदा करना शुरू किया। उनसे माल खरीद लेता और मंडी में जाकर बेच देता। वो किसानों को कभी लूटता नहीं था, उन्हें बाजार भाव देता और अपनी बुद्धि से ऊपर का धन कमा लेता। किसान लोग उसी की दुकान पर बैठकर खाना खाते, इससे रामधन को दोहरा लाभ होता था। खाने पीने में लाभ, फसल में लाभ,
कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उनके पास काफी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए, वहां जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। रामधन गिरधारी लाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वो हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। गिरधारी लाल जानता था कि वो हार तो बहुत कीमती है। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि रामधन इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वो हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए यही खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया है। ये नुकसान तो दोनों भाइयों का है, तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात का विश्वास नहीं था। अब वो कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सजा देने की योजना बनाई और वहां से निकल पड़ा। वहीं पर सेठ के बच्चे को बाहर खेलते हुए उसने देखा। उस छोटे बच्चे को उसने बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामधन ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता, हाँ मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो रामधन, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो, मेरे नौकरों ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, जो मैंने देखा है बता दिया है। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही गिरधारी लाल जौहरी राजा के पास में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस करने को तैयार नहीं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर रामधन को पकड़ कर लाओ। उसी समय रामधन को पकड़ कर लाया गया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे ये कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठा कर ले गया, बोलो क्या ये झूठ है? नहीं महाराज, ये सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे ये बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी लाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया ये तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रामधन इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर रखे? बहुत हैं। उन जेवरों में ही आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? हाँ रखा था। फिर ये बताओ कि वो चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार क्यों ले गए? जी, गिरधारी लाल हकलाने लगा, महाराज अब तो ये न्याय आप ही करेंगे कि गिरधारी लाल दोषी है या मैं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार चोर ले गया तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को भी उठाकर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि मैंने जो किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे भूल के लिए क्षमा कर दें, मैं रामधन की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। रामधन को अपना हार वापस मिल गया, उसने गिरधारी लाल का बच्चा वापस दे दिया। इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जो भी आदमी किसी के साथ बुरा करता है, किसी भले आदमी को लूटने का प्रयत्न करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसको भी आगे से कोई न कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो उससे भी बढ़कर होता है। उसके इस पाप का उत्तर ऐसे तरीके से देता है जिससे उस पापी के अपने मन पर चोट पड़ती है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि पीड़ा क्या होती है। किसी दूसरे को दुख देने से पहले सोचो कि यदि ऐसा दुख तुम्हें मिले तो क्या होगा। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं।
और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। गरीबों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटा काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता, माधव बाजार में बेच आता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नगनता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने के वसूली की बिल्कुल आशा न करने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। यीशु ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वो मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था, फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती
और उसकी सरलता तथा निर्हता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जुबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने भरपेट पूड़ियां खिलाई थी सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वाद कचौड़ियां डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियावा था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेडुलिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुराने मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई।
कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर दोनों शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुचियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जब वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा, कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे से लेकर चुस्कियां ले रहे थे, सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया।
घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो के वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतने जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। प्यक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किया और आखिरी नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। बौना राक्षस। किसी देश में एक राजा राज किया करता था। उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका एक खास नौकर था जिसका नाम केशव। केशव तीर चलाने में काफी निपुण था। एक दिन केशव शिकार के लिए गया। वो दिन भर जंगलों में घूमता रहा मगर कोई शिकार हाथ न लगा। बहुत देर हो गई थी इसलिए वो निराश होकर घर की ओर लौट चला। अचानक उसने एक पेड़ पर एक कबूतरी बैठी देखी। केशव ने सोचा, क्यों न इसी कबूतरी का शिकार किया जाए। ये सोचकर उसने तीर कमान संभाला और निशाना ले कबूतरी को मार गिराया। कबूतरी पेड़ से धरती पर आ गिरी। केशव ने उसे उठा लिया और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाला था कि कबूतरी इंसानी आवाज में बोली, ए मूर्ख नौजवान, मुझे मत मारो, मैं बुरे वक्त पर तुम्हारे काम आऊंगी। मुझे स्वस्थ करके अपने घर में रखो, एक दिन तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। एकाएक उस कबूतरी को इंसानी आवाज में बोलते देख केशव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वो कबूतरी को अपने घर ले आया तथा उसके घावों में दवाई आदि लगाकर मरहम पट्टी कर दी। इसी तरह कई दिन बीत गए। केशव पौ फटते ही जंगल में जाता, जंगली मुर्गी व दूसरे अन्य जीवों का शिकार करता और शाही रसोई में दे देता। एक दिन कबूतरी ने कहा, केशव तुम बहुत ही निर्धन हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो, परंतु क्या किया जा सकता है। केशव ने कहा, अगर तुम मुझे कहीं से चमड़ा और सुनहरा रेशम का धागा लाकर दो तो मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सके। कबूतरी ने केशव से कहा। केशव ने अपने किसी मित्र से कुछ रुपए उधार लेकर कबूतरी के कहे अनुसार चमड़ा और सुंदर रेशम का धागा खरीदकर ला दिया। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कबूतरी इस चमड़े व सुनहरे धागे का क्या करेगी, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। रात को जब केशव सो गया तो कबूतरी एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई और उस चमड़े से जूतों का जोड़ा बनाने बैठ गई। वो रात भर जूतों का जोड़ा बनाने में लगी रही। सुबह तक उसने उस चमड़े से जूतों का ऐसा अद्भुत जोड़ा बनाया जैसा पहले कभी देखा न गया था। वो जोड़ा सुनहरे धागों से इस कदर सुंदर बनाया गया था कि देखते ही बनता था। सुबह होते ही वो सुंदर युवती फिर कबूतरी बनकर खिड़की पर बैठ गई। प्रातः जब केशव जागा तो उन सुंदर जूतों के जोड़े को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने समस्त जीवन में इतने सुंदर जूते पहले कभी नहीं देखे थे। तब कबूतरी बोली, केशव इसे बाजार में ले जाकर बेच दो। जब इस जूते के जोड़े की कीमत तुम्हें कोई 15 मोहरे दे तभी ये जोड़ा तुम उस व्यक्ति को देना, मगर ख्याल रखना 15 मोहरों से अधिक यदि कोई देना चाहे तो कदापि न लेना। केशव ने उस जोड़े को हाथ में लिया और बाजार में घूमने लगा। ए भाई, तभी एक व्यापारी ने उस सुंदर जूते के जोड़े को देखकर पुकारा, इसकी क्या कीमत लोगे, तुम सौदागर हो, तुम ही बता दो। सौदागर सोचता रहा मगर कुछ फैसला न कर सका। तब एक दूसरा सौदागर आया, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। जल्द ही वहाँ सौदागरों की भीड़ लग गई। सभी उस सुंदर जूतों के जोड़ों को देखकर हैरान हो रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी उसकी सही कीमत नहीं आंक सका।
तभी राजा का मंत्री अपने सुंदर घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरा। भारी भीड़ को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न वो मामले की जांच करे। वो घोड़े से उतरकर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, ए व्यापारियों, ये क्या हो रहा है? हम इस सुंदर जूते के जोड़े की कीमत तय नहीं कर पा रहे हैं। उन एकत्रित व्यापारियों ने जवाब दिया। मंत्री ने जूते के उस सुंदर जोड़े को देखा तो ठगा सा रह गया। सच सच बताओ, कहां से मिला तुम्हें ये अद्भुत जोड़ा? उसने केशव से पूछा। मेरे पास एक सुंदर कबूतरी है, उसी ने बनाया है, केशव ने डरते डरते कहा। कबूतरी ने बनाया? ये सुनकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। मंत्री ने पूछा, तुम इसकी कितनी कीमत चाहते हो? 15 मोहरे, केशव ने कहा। उसी समय एक व्यापारी बोल उठा, मैं तुम्हें 20 मोहरे दूंगा। तभी दूसरा बोला, मैं तुम्हें 25 मोहरे दूंगा। सब एक से बढ़कर एक कीमत देने को तैयार थे, परंतु मंत्री ने केशव को 15 मोहरे थमाई और जूते के उस सुंदर जोड़े को लेकर चलता बना। केशव भी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। राजा का मंत्री महल में पहुंचा और जूते के सुंदर जोड़े को राजा को दिखाया। राजा भी उस जोड़े को देखकर एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर बोला, मंत्री तुम जो कहो, मैं इस जोड़े की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मंत्री के कहने पर राजा ने 15,000 मोहरे देकर मंत्री से वो सुंदर जोड़ा ले लिया। मंत्री ने 15,000 मोहरे लेकर सोचा, यदि केशव की कबूतरी इतने सुंदर जोड़े बना सकती है तो क्यों न उसकी उस विचित्र कबूतरी को ही हथिया लिया जाए। यदि वो मिल गई तो वो बहुत धनवान हो जाएगा। ये सोचकर वो केशव से उसकी विचित्र कबूतरी को हत्याने का उपाय सोचने लगा। काफी देर तक सोचने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने केशव को बुलवा भेजा। उसके आने पर उसने कहा, सुनो केशव, तुम राजा के बहुत ही खास व वफादार नौकर हो, अतः राजा ने तुम्हें एक खास काम के लिए कहा है। यहाँ से 7 समुद्र पार 12 राज्यों को पार कर शीशे के पहाड़ पर जाकर एक गाना गाने वाला कुत्ता लाओ। अगर तुम इस कार्य में सफल हो गए तो तुम्हें बहुत इनाम दिया जाएगा, और यदि असफल हुए तो सिर काट दिया जाएगा। ये सुनकर केशव के पैरों तले से जमीन खिसक गई, परंतु मंत्री अपनी सोची हुई चाल पर इतरा रहा था। उसे लगा कि कबूतरी तो अब मेरी मुट्ठी में है। केशव उदास से घर पहुंचा। उसे देख कबूतरी ने पूछा, क्या बात है केशव, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकूं। केशव ने मंत्री के साथ हुई बातचीत कबूतरी को कह सुनाई। तब कबूतरी बोली, तुम फिक्र मत करो केशव, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। अब तुम सो जाओ, कोई राह निकल ही जाएगी। केशव सो गया। कबूतरी फिर सुंदर युवती बन गई। वो चुपचाप केशव के घर से निकलकर एक लोहार के पास पहुंची। उसने उसे लोहे की 3 टोपियां, 1 संडासी और 3 छड़े बनाने के लिए कहा, एक लोहे की, दूसरे तांबे की और तीसरी टीन की। अगले दिन जब केशव जागा तो वो फिर कबूतरी बन चुकी थी। उसने केशव से कहा, केशव, ये 3 टोपियां, 1 संडासी और 3 छड़े हैं। 7 समुद्र पार 12 राज्यों को पार करने के पश्चात शीशे का पहाड़ आएगा, उस पर ही वो गाना गाने वाला कुत्ता रहता है। परंतु जब तुम उस शीशे के पहाड़ के नजदीक पहुंचोगे तो उस कुत्ते का जादू भरा गीत सुनकर नाचने लगोगे। इससे बचने के लिए तुम अपने कानों में कपड़ा ठूंस लेना। याद रखना, यदि तुम उसका गाना सुनकर नाचने लगे तो नाचते नाचते मर जाओगे। फिर उसे टोपियां, संडासी तथा छड़ों के प्रयोग के बारे में बताकर जाने के लिए कहा। लंबी यात्रा के पश्चात केशव उस शीशे की पहाड़ी के नजदीक पहुंचा। दूर से ही उसे शीशे का एक बड़ा पहाड़ नजर आया। अभी वो पहाड़ को देख ही रहा था कि उसे एक बड़ी ही सुरीली गाने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत ही कपड़े की 2 छोटी गोलियां को अपने कानों में ठूंस लिया और किसी तरह उस शीशे के पर्वत पर पहुंचने में सफल हो गया। गाना गाने वाले कुत्ते ने जब केशव को अपनी ओर आते देखा तो उस पर झपट्टा मारा, परंतु उसके सिर पर लोहे की 3 टोपियां चढ़ी हुई थी। कुत्ते ने 2 टोपियां फाड़ डाली और तीसरी तोड़ने ही वाला था कि केशव ने उसे संडासी से पकड़कर नीचे गिरा दिया और छड़ों से उसकी मरम्मत करने लगा। पहले उसने उसे लोहे की छड़ी से पीटा जो टूट गई, फिर तांबे की छड़ी से पीटा तो वो भी टूट गई। अंत में वो टीन की छड़ी से उसे पीटने लगा। टीन की छड़ी मुड़ जाती मगर टूटने का नाम न लेती, सिर्फ उसके शरीर के गिर्द घेरा डाल लेती। गाना गाने वाला कुत्ता केशव की लगातार पिटाई से बेहाल हो गया। वो केशव के आगे गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा, मेरे साथ चलने को तैयार हो? केशव ने उसे पीटते हुए पूछा। जहाँ भी तुम चाहो मैं चलने को तैयार हूँ, कुत्ते ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। केशव कुत्ते को साथ लेकर वापस चल दिया। अपने देश पहुंचकर कुत्ते को साथ लिए वो मंत्री के सामने हाजिर हुआ।
उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी मैं आपका हुक्म बजा लाया हूँ, ये लीजिए गाना गाने वाला कुत्ता। मंत्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु कुत्ते की भयंकरता व गाने का नमूना देख केशव को इनाम दे वापस भेजना पड़ा, परंतु मन और बेचैन हो उठा। अब एक ही सवाल था उसके जहन में कि कबूतरी को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। सोचते सोचते उसे फिर एक उपाय सूझा। उसने फिर केशव को बुलवा भेजा और बोला, केशव तुम राजा के वफादार व बहादुर नौकर हो, राजा ने तुम्हें एक काम और कर लाने को कहा है, न जाने एक काला बोना रहता है, उसे किसी भी तरह ढूंढ कर ले आओ। अगर तुम काले बोने को ले आए तो तुम्हें बहुत सा इनाम मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। केशव वापस अपने घर पहुंचा और चारपाई पर बैठकर रोने लगा। तुम रोते क्यों हो केशव, कबूतरी ने पूछा, इस बार क्या बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है? केशव ने कबूतरी को मंत्री का आदेश सुना दिया। तब कबूतरी बोली, केशव इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम सो जाओ, सुबह कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। केशव के सोने के पश्चात कबूतरी फिर युवती बन गई। उसने रात ही रात में एक काठ का घोड़ा बनाया। सुबह जब केशव सोकर उठा तो कबूतरी बोली, केशव इस काठ के घोड़े पर बैठ जाओ, ये तुम्हें उस काले बोने तक पहुंचाने में मदद करेगा। केशव उस काठ के घोड़े पर सवार हो गया। केशव के बैठते ही काठ का घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वो तेजी से पहाड़ों, जंगलों, शहरों और गांव को लांघने लगा। जब वे गहरे समुद्र के ऊपर से उड़े जा रहे थे तो केशव का दिल दहल गया। वो बोला, काठ के घोड़े मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। काठ का घोड़ा धीरे धीरे उड़ने लगा। उसने नीचे की ओर देखा तो उसे नीली लहरें दिखाई दी। वो उपयुक्त स्थान की तलाश में था जहाँ उतरकर विश्राम कर सके। तभी जहाँ पहले नीली लहरें दिख रही थी वहाँ उसे एक द्वीप दिखाई देने लगा। उस द्वीप में सोने की छत वाला एक महल नजर आया जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था। तभी काठ के घोड़े से आवाज आई, केशव यहाँ तुम खाओ पियो और आराम करो और समुद्र पर अपनी नजर रखो, सौदागरों के दो जहाज इधर से आएंगे, उनका स्वागत कर अच्छी तरह खातिर करना। उन सौदागरों के पास तीन अद्भुत चीजें हैं, मुझे उन चीजों से बदल लेना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हाँ ये अवश्य ध्यान रखना, जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे पुकार लेना। और घोड़े ने उस महल के ठीक सामने उसे उतार दिया। कुछ दिन बाद पश्चिम की ओर से दो जहाज उसी तरफ आते दिखाई दिए। मुसाफिरों ने द्वीप, सोने की छत वाला महल और उसके चारों ओर सुंदर बगीचा देखा। ये भी क्या कमाल है, उन्होंने आपस में कहा, बहुत बार हम इधर से गुजरे हैं मगर नीली लहरों के सिवा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, ये द्वीप कहाँ से आ गया, चलो जहाज को किनारे पर लगाएं। दोनों जहाजों ने लंगर डाल दिया और उनमें से तीन सौदागर एक छोटी सी नाव में बैठकर द्वीप की ओर चल दिए। केशव उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही वहां उपस्थित था। सौदागर उस जगह को देख हैरान हो रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के ऊपर की छत आग की तरह दहक रही है, वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। भाई हमें ये तो बताओ, ये सब दिमाग चकरा देने वाला अजूबा यहाँ किसने बनाया है? ये सब कुछ मेरे सेवक काठ के घोड़े ने बनाया है, ये कहकर केशव मेहमानों को खाना खिलाने के लिए महल में ले गया। ए भाई काठ के घोड़े कुछ खाने के लिए लाओ, केशव बोला। अचानक काठ के घोड़े ने अपना मुंह खोला, उसमें से एक मेज निकलकर बाहर आ गई जिस पर तरह तरह के पकवान रखे थे। सौदागर एकदम हक्के बक्के रह गए। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के पश्चात सौदागरों ने केशव से कहा, भाई आओ हम कुछ अदला बदली कर लें, हमें अपना काठ का घोड़ा दे दो और बदले में हमारा जो भी अजूबा तुम चाहो ले सकते हो, मैं तैयार हूँ, मगर पहले अपने अजूबे तो दिखाओ, केशव बोला। एक सौदागर ने अपने कोट के अंदर से एक छड़ी निकाली और कहा, इस छड़ी को केवल इतना कहो कि फला की खूब मरम्मत करो, ये अपना काम शुरू कर देती है। दूसरे सौदागर ने अपने चोंगे से एक कुल्हाड़ा निकाला और उसका मुंह नीचे की ओर कर दिया। ठक ठक एक जहाज तैयार होकर सामने आ गया। ठक ठक पालों, तोपों और मल्लाहों समेत दूसरा जहाज सामने आ उपस्थित हुआ। उसने कुल्हाड़े का मुंह ऊपर किया तो जहाज ऐसे गायब हो गए जैसे थे ही नहीं। तीसरे ने एक बंसी निकालकर बजाई। बंसी के बजाते ही एक बड़ी सेना निकलकर सामने आ गई। इस सेना में पैदल, घुड़सवार, तोपें, बंदूकें सभी कुछ शामिल थी। सौदागर ने मुरली को दूसरी तरफ से बजाया तो हर चीज गायब हो गई। केशव आश्चर्य से उनके अजूबे देखता रहा। मुझे तुम्हारी ये अद्भुत चीजें पसंद है, केशव ने कहा, मगर चूंकि मेरा काठ का घोड़ा तुम तीनों के अजूबों से अधिक कीमती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपने काठ के घोड़े को तुम तीनों की चीजों के बदले में दे सकता हूँ।
सौदागर तैयार हो गए। उन्होंने अपनी अपनी चीजों के बदले केशव का काठ का घोड़ा ले लिया। इसके बाद सौदागर काठ के घोड़े को लेकर अपने जहाजों में जा बैठे और खा पी कर शोर मचाते रहे। जब वे सो गए तो काठ का घोड़ा चुपचाप फिर से केशव के पास लौट आया। बोला, केशव जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, उनके जागने से पहले ही हमें यहाँ से निकल भागना चाहिए। केशव फौरन काठ के घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। काठ का घोड़ा एक बार फिर हवा में उड़ने लगा। काफी दिनों तक उड़ने के पश्चात काठ का घोड़ा एक स्थान पर उतरा और बोला, केशव यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक कुआ है, उसी में काला बोना तुम्हें मिलेगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है, तुम इन्हीं चीजों से उस पर काबू कर सकते हो। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूँगा। केशव तीनों अजूबों को संभाल कर आगे पैदल ही चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात उसे एक कुआ दिखाई दिया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो कुआ एकदम सूखा नजर आया। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी कुआ एकदम पानी से भर गया। फिर धीरे धीरे कुएं से पानी निकल निकल कर बाहर गिरने लगा। केशव अभी इस आश्चर्य को समझने की चेष्टा कर ही रहा था कि पानी वहाँ इतनी तेजी से बहने लगा कि केशव उसमें डूबने लगा। अब वहाँ पूरा एक समुद्र जैसा आ रहा था। उसी समय केशव को कुल्हाड़े का ध्यान आया। उसने कुल्हाड़े को तुरंत नीचे किया। कुल्हाड़े के नीचे होते ही ठक ठक की आवाज के साथ एक जहाज तैयार होकर सामने आ गया। केशव तुरंत उस जहाज पर चढ़ गया। अभी केशव जहाज पर चढ़कर इधर उधर देख ही रहा था कि पानी एकदम गायब हो गया। उसकी जगह कुएं ने हजारों सैनिकों को उगलना शुरू कर दिया। वे सैनिक अपनी अपनी तलवारें बंदूकें लेकर केशव की ओर झपटे। केशव ने तुरंत बंसी बजानी शुरू कर दी। बंसी के बजते ही हजारों घुड़सवार सैनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वहां दिखाई देने लगे। केशव ने तुरंत उन्हें मुकाबला करने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही वे सैनिक कुएं से निकले सैनिकों से भिड़ गए। दोनों सेनाओं के लड़ने से वहां खून की नदियां बहने लगीं। तभी केशव को कुएं से काला बोना निकलता दिखाई दिया। बाहर आते ही उसने अपना हाथ घुमाया तो उसके सारे सैनिक अदृश्य हो गए। वो केशव के पास आकर बोला, तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। केशव ने उसे सारी कहानी सुना दी। इस पर बोना बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो मंत्री काफी दुष्ट है, वो अपनी तरफ से ही ये आज्ञा दे रहा है, मैं तुम्हें उसके इस जुल्म से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। केशव काले बोने के साथ काठ के घोड़े पर सवार होकर अपने देश की ओर चल पड़ा। काठ का घोड़ा सीधा राजमहल में जाकर उतरा। उस समय राजा का दरबार लगा था। मंत्री केशव को काले बोने को साथ लाया देख आश्चर्यचकित रह गया। वो समझ गया कि अब उसका भांडा फूटने ही वाला है। वो अपनी म्यान से तलवार निकाल कर केशव की ओर झपटा। तभी काले बोने का हाथ हिला और तलवार मंत्री के हाथ से गायब हो गई। तब केशव ने अपनी छड़ी को आदेश दिया, मंत्री की खूब मरम्मत करो। छड़ी ने आदेश पर मंत्री की पिटाई करनी शुरू कर दी। राजा व उसके दरबारी ये करिश्मा देखकर दंग रह गए। राजा के पूछने पर केशव ने सारा हाल राजा को कह सुनाया। राजा ने तुरंत मंत्री को कारावास में डलवा दिया तथा बहुत सारा इनाम आदि देकर केशव को अपना मंत्री बना लिया। केशव काले बोने के साथ अपने काठ के घोड़े पर बैठकर अपने घर चला आया। कबूतरी को देखकर काला बोना अचानक रोने लगा और केशव से बोला, दोस्त ये मेरी बहन चित्रा है, जिसे मैंने क्रोध में आकर कबूतरी बना दिया था। ये कह काले बोने ने अपना हाथ कबूतरी के सिर पर फेरा तो तुरंत वो सुंदर युवती में बदल गई। केशव देखकर ठगा सा खड़ा रह गया। तब काले बोने ने केशव से कहा, मेरी बहन चित्रा तुमसे विवाह करना चाहती है। केशव तैयार हो गया। अब उसके पास धन दौलत की भी कमी नहीं थी। उसने चित्रा से विवाह कर लिया तथा काले बोने के साथ एक सुंदर महल बनवाकर उसमें रहने लगा। कालू भंडारी। कभी लखीमपुर में कालू भंडारी नाम का कोई भड़ रहा करता था। उसके पिता का नाम वीरू भंडारी था। अपने पिता की तरह ही कालू बड़ा वीर था। उनके अन्न के कोठार धन के भंडार थे, पर ऐश्वर के साथ जब शक्ति का वेग लेकर यौवन आता है तो जीवन रसिकता की परिभाषा बन जाता है। कालू भंडारी जब 18 वर्ष का ही था तो सपने में उसने एक सुंदर लड़की देखी। उस लड़की का नाम ध्यानमाला था और दूर दूर तक वो अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। कालू ने भी उसके रूप के विषय में सुन रखा था, पर सपने ने उसे मोह लिया और जब जागा तो वो पागल सा हो गया। माँ ने बेटे को देखा, बोली, क्या हुआ है तुझे कालू। मैंने एक सपना देखा है माँ, कालू ने कहा, पर कहना नहीं आता। मैंने बर्फानी काठे देखे, उन बर्फानी काठे में ध्यानमाला का निवास देखा।
चांदी के पलंग और सोने के फूल देखे, आग जैसी आंखें देखी, दीपक जैसी ज्योत देखी, वृक्ष पर लिपटी सी लता देखी, होठों का हास देखा, मणियों का प्रकाश, क्या कहूंगा। वो नवनीत की सी गुंदकी है, पानी से भी पतली है, बादल की सी झड़ी है, उसके गालों में गुलाब है, मुख में चंदा, उसके रंग में सूरज भी मैला धुमैला हो जाता है। माँ अपेक्षा से मुस्कुराई, भूख में क्या नहीं खाया जाता, सपने में क्या नहीं देखा जाता। नहीं माँ, कालू ने कहा, मैं मरूं जीऊं पर मुझे उसी को ब्याह कर लाना है। बाहर का रूखा था कालू, पर हृदय से वो प्रेम का भूखा था। माँ ने मना किया, उसने नहीं मानी। ध्यानमाला नवलीगढ़ में रहती थी, कालू भंडारी उसके पास चल पड़ा। चलता चलता नवलीगढ़ में पहुंचा, सुगड़ी का प्रेम था। पनघट के पास हाथ में सोने का लोटा लिए उसे ध्यानमाला मिल गई। जैसी उसे उसने सपने में देखा था वैसी ही थी वो। वो अप्सरा सी लगती थी, जैसे आकाश से बिजली सी छूटी हो। और ध्यानमाला ने भी देखा, कालू को बाका जवान था वो, बोरास के फूल की तरह खिला, बस क्या था। दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। कालू ने कहा, तू मेरा प्राण है ध्यानमाला, तू मुझे कभी न छोड़ना। ध्यानमाला ने उसे वचन दिया, तू मेरा सर्वस्व है, तेरा मेरा प्रेम युग युग तक रहेगा। कुछ दिन तक वे ऐसे ही गुप्त रूप से मिलते रहे। आखिर एक दिन कालू भंडारी ध्यानमाला के पिता धर्मदेव से मिलने गया और उसने अपने प्रेम की बात कह दी। धर्मदेव ने सीधे मना तो नहीं किया, पर बात टालने के लिए कहा, मेरे राज में 5 भड़ हैं, पहले उन्हें जीत कर आओ। कालू भंडारी की मूछों के बाल उठ खड़े हुए। उसने तुरंत अस्त्र शस्त्र सजाए और लड़ने के लिए दूसरे शहर में चल पड़ा। कालू एक एक कर सब भड़ों को साधने पर लग गया। इसी बीच गंगाड़ी हाट का रूपू गंगसारा ध्यानमाला को ब्याहने के लिए नवलीगढ़ पहुंचा। उसने सबको पक्ष में कर लिया। धर्मदेव भी तैयार हो गया और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। कालू के कानों में बात न पड़ी, वो भड़ों से लड़ने में लगा था। ध्यानमाला परेशान थी, एक ओर पिता की इच्छा थी, दूसरी ओर अपनी। तभी कालू भंडारी को सपना हुआ। उसने ध्यानमाला को रोते देखा और कुछ खटका समझकर वो लौट आया। किसी तरह वो ध्यानमाला तक पहुंच पाया और उसे सिखा दिया कि वो आखिरी फेरा तब तक न फेरे जब तक वो न आए। ये कहकर वो चल दिया। ध्यानमाला के विवाह का दिन आया, निश्चित समय पर विवाह का लगन आया। आखिरी फेरे के वक्त ध्यानमाला ने गुरु को देखने को कहा। इस बीच नाच और गाना शुरू हुआ। तभी साधु आया, ध्यानमाला की आंखों में एक ज्योति चमकी और फिर बोली, मेरे गुरु तलवार के नाच में बड़े प्रवीण हैं, मैं उनका नाच देखना चाहती हूँ। साधु वेशी गुरु ने वर और दुल्हन के पक्ष के लोगों की अलग अलग कतारें बनाई और नाचते नाचते उसने वर पक्ष के लोगों को मारना शुरू किया। इस प्रकार कुछ भागे कुछ मारे गए, रूप भी मारा गया। अब कालू भंडारी ध्यानमाला के पास पहुंचा और प्यासी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आखिर तुम मिल ही गई। और उसने उसे बाहों में भर लिया। तभी पीछे से छिपकर रूपू का भाई लूला गंगोला आया और उसने कालू को मार दिया। मिलकर बिछोड़ने का दुख कितना भारी होता है। अब उसके सामने दो शब्द थे, दोनों उसके भावी पति। कालू का सिर उसने अपनी दाहिनी जांग पर रखा, रूपू का पाई जांग पर, और रोती रोती चिता पर चढ़कर दोनों के साथ सती हो गई। करुणा का प्रतिदान। एक राजा के 7 लड़के थे, एक स्त्री से 6 थे और 7वां दूसरी स्त्री से था। 6 खूब मिलजुल कर रहते थे, पर 7वें से ईर्ष्या करते थे। राजा भी उसे अच्छा नहीं मानता था। 7ों के 7ों एक दिन उठे और घूमने को चल दिए। चलते चलते एक वन के बीच किसी तप्पड़ में पहुंचे। जगह सुंदर थी, कोसों तक चौरस धरती ही नजर आती थी। हरे भरे पेड़ों और फूलों की लताओं से वो मन मोह लेती थी। राजकुमारों ने उसे देखा और खूब सराहा। इतनी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक वे उसी पर बातें करते रहे। सवाल उठा के उस मैदान को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है। सबने अपने अपने मन की बात कही। किसी ने उसे खेलने के लिए पसंद किया, किसी ने घोड़े दौड़ाने के लिए, किसी ने बकरियां चराने के लिए और किसी ने खेती के लिए। जब 7वें से पूछा गया तो उसने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दें तो यहां पर मैं अपने नाम का नगर बसा देता। बड़ा आया नगर बसाने वाला।
छह भाइयों ने दांत पीसे। वे ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने मिलकर उसे पकड़ा और एक पेड़ से उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। अपने आप खुशी खुशी घर लौट आए। सौतेली माँ ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? उन्होंने कहा, अपने नाम के नगर में अखंड राज कर रहा है। बेचारा राजकुमार रस्सियों से जकड़ा हुआ उजड़ा जंगल में भूख प्यास से तड़पता रहा। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बार उसके पिता की राजधानी में चूहों ने बड़ा उधम मचाया। राजा ने खोज खोज कर चूहों को मारने की आज्ञा दी। तब क्या था, जहां तहां चूहे मार दिए गए। राजकुमार ने तब एक चूहे को बचाया था। बदले में चूहे ने आशीष दी थी और कहा था, जब मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार ने सोचा, चूहे को याद क्यों न किया जाए। उसने चूहे को याद किया और तत्काल चूहा अपने साथियों को लेकर वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा राजकुमार रस्सी से बंधा है। वे सब रस्सी काटने पर लग गए और कुछ ही क्षणों में राजकुमार मुक्त हो गया। राजकुमार अब रास्ते लगा। घर लौटना वो चाहता न था। उस घर में जाकर क्या करूंगा, उसने सोचा। अब वो ऐसे ही चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो सो गया। तभी महादेव पार्वती उधर से गुजरे। पार्वती जी ने उसे देखा और दया से भर आई। वे महादेव जी से बोली, तुमने इसे कितना भाग्यहीन बनाया। महादेव जी पहले कुछ चिढ़े, फिर बोले, तुम व्यर्थ के झगड़े में पड़ती हैं पार्वती। मृत्यु लोक में सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पार्वती जी कब मानने वाली थी, जगत माता जो ठहरी। महादेव जी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बोले, अच्छा, रात को इस पेड़ पर एक चिड़िया आएगी। अगर ये उसे मार दे तो उसके पेट में से एक अंगूठी निकलेगी। वो अंगूठी इसकी जो भी कामना हो पूरी कर सकती है। राजकुमार ने सुना और उसके चेहरे पर आशा की एक रेखा खिंचाई। रात को जैसा कि उसने सुना था, पक्षी आया, राजकुमार ने उसे मार डाला और पेट फाड़कर अंगूठी निकाल ली। उसने अंगूठी हाथ में ली और उसे लेकर फिर उसी मैदान की ओर चल दिया। उसने अंगूठी निकाली और मैदान के बीच रखकर अपनी इच्छा प्रकट की। चार वीर प्रकट हुए और देखते ही देखते वहां एक शानदार नगर तैयार हो गया। राजभवन, रानीवास, हाटबाट किसी की कमी न रह गई। राजकुमार मौज से रहने लगा। छह भाई उसकी ताक में थे ही। उन्होंने अपने गुप्तचर भेज रखे थे। मालूम हुआ कि वहां पर एक सुंदर नगर बस गया है। बस क्या था, छह भाई मिट्टी पानी हो गए। आखिर उन्होंने एक दूती बुलाई जो स्वर्ग को पाताल कर देती थी और पाताल के गारों को स्वर्ग के तारे। दूती के लिए एक इशारा ही काफी था। लड़के का भेष धारण कर वो नगर को चल दी। रास्ते में उसने नगर का भेद मालूम किया और किसी तरह रानीवास में चली गई। फिर वो स्त्री बन गई। जाते ही उसने राजकुमार की रानी को खोजा और उसे अभिवादन किया। तू मेरी भतीजी है। रानी असमंजस में पड़ गई कि ये भतीजी वाली कहां से आ गई। किंतु दूती ने उसे बातों ही बातों में इस प्रकार घुमा फिरा दिया कि उसे पूछताछ का मौका ही न दिया। रानी ने कहा भी कि मैं पहचानती नहीं, तो उसने उसे खरी खोटी सुना दी। हाँ, अब तू क्यों पहचानेगी, रानी जो बन गई जमाने की तासीर है। रानी सगुचाई होगी ये भी कोई, उसने सोचा, और न पहचान सकने की क्षमा मांगते हुए उसने उसका यथेष्ट सत्कार किया। अब क्या था, दोनों फूफी भतीजी मौज से रहने लगी। दिन भर फूफी गप्पे लगाती और भतीजी सुनती जाती। दिन कटते गए। दूती रानी को विश्वास में ले आई। एक दिन दूती ने बातों ही बातों में पूछा, भतीजी यहाँ पहले कोई नगर न था, ये नगर कैसे बसा। फूफी ये तो मैं नहीं जानती, पर राजा आएंगे तो उनसे पूछूंगी। रानी बोली, अरे ऐसा मत पूछना। दूती ने कहा, वे पूछने से नहीं बताएंगे तो तू पेट में पीड़ा बता देना। दूती ने तरकीब बताई, कहना मैं मरती हूँ, पर मरते हुए एक बात तो बता दो। रानी को उसने पूरी पट्टी पढ़ा दी। संध्या को राजा महल में लौटा। भतीजी पहले से ही पलंग पर लेटी थी। राजा को आते देखकर रानी ने खूब चीखना करहाना शुरू कर दिया। हाय मैं मर रही हूँ, उसने कहा। होशियारी से राजकाज चलाना राजकुमार के दुख की सीमा न रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम दुखी न हो स्वामी, रानी बोली, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि दूसरे लोक में कोई मुझे पूछेगा तो क्या बताऊंगी। क्या, राजकुमार ने पूछा, यही कि तुम कौन हो,
ये नगर कैसे बसा और तुम यहाँ के राजा कैसे बने? राजकुमार ने पहले इधर उधर देखा, फिर कहा, ये जानकर क्या करोगे? ये सब मेरी इस अंगूठी की करामात है। दूती ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर होती है। वो खुश थी। भतीजे के लिए अब उसने नए जाल गढ़ने शुरू किए। भतीजे को भी अब उसकी बातों में नमक मिर्च का सा मजा आने लगा। मरना उसने क्या था, दूती की बातों में वो दिनों दिन और जिंदा दिल होती जा रही थी। अंगूठी की बात भी उसने दूती से कह दी। दूती ने सारी बातें ऐसे सुनी जैसे उसने पहले सुना ही न हो। साथ ही बात को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका समझकर उसने कहा, भोली, राजा लोग लापरवाह होते हैं और उनकी डोर होती है मंत्रियों के हाथ में। अंगूठी अगर राजा के हाथ से किसी ने निकाल ली तो ऐसी चीजें कहीं ऐसे रखी जाती हैं। तुम्हारे 10 शत्रु होंगे, 10 मित्र। अंगूठी को तुम्हें रखना चाहिए। दिन गया, विश्राम की घड़ियां लौटी। राजकुमार अपने शयन कक्ष में आया। रानी ने सीखी सिखाई बातें कही। राजकुमार उसे बहुत प्यार करता था। वो प्राण भी मांगती तो शायद वो विरोध नहीं करता। आखिर अंगूठी उसने उसे दे ही दी। रानी के पास अंगूठी आई, फिर वही हुआ जो बहुत समय से होने को था। दूती ने रानी की नजर बचाकर रात में अंगूठी निकाल ली और अपनी उड़न खटोली पर बैठकर चल दी। उधर अंगूठी के साथ ही राजकुमार का राजपाट भी चल दिया। फिर जैसे पहले थे रह गए वैसे ही। न नगर रहा, न वो ऐश्वर्य, अब वो माया ही न थी। राजकुमार ने अपने को उसी तरह पेड़ पर कसा बंधा पाया। न जाने कैसे सुबुद्धि आई, उसने फिर चूहों को याद किया। चूहे अपने साथियों सहित आप उपस्थित हुए। राजकुमार ने सारी बात सुनाई और एक चूहा एक बार फिर चल दिया। चलते चलते वो 6 भाइयों के राज में पहुंचा। इधर उधर खोज करने पर आखिर उसने बड़े राजकुमार के पास अंगूठी देख ली। दिन में तो वो अंगूठी को पहन लेता था, पर रात को सोते वक्त दांतों के बीच दबा लेता था। वहां से अंगूठी निकालना सरल काम न था। आखिर चूहा राजकुमार के बिस्तर पर पहुंचा और पास जाकर उसने उसकी नाक में अपनी पूंछ डाली। बड़ा राजकुमार चौंका, उसे खांसी हो आई। अंगूठी तत्काल मुंह से नीचे गिर पड़ी। चूहे ने अंगूठी उठाई और चल पड़ा। चूहा अपने राजकुमार के पास आया। अंगूठी फिर उसी मैदान में रखी गई। फिर वहां वैसा ही नगर बस गया। वही पुराना ऐश्वर्य लौट आया। पहले की सी जिंदगी मुस्कुराई। राजकुमार ने एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट की और चूहे को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। खोई चिट्ठी। थनप्पा अपनी बीट के तहत विनायक मुदली स्ट्रीट और उसके साथ की 4 अन्य सड़कों का इलाका कवर करता था। इस पूरे इलाके की डांक बांटकर हेड ऑफिस लौटने में उसे करीब 6 घंटे लग जाते थे। मार्केट रोड पर हेड ऑफिस था। वो जिन लोगों की चिट्ठियां ले जाता था उनकी अच्छी बुरी खबरों के साथ घुल मिल भी जाया करता था। उनकी खुशी और गम को महसूस कर पाता था। ऐसे ही कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में एक व्यक्ति रहता था। वो रोज मकान से बाहर सड़क तक आ जाता था। हमेशा थनप्पा से पूछता, मेरे लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई है? सालों से वो ऐसा ही कर रहा था। थनप्पा उसे तब से देख रहा है जब से वो जवान था। अब अधेड़ हो गया लेकिन आदत नहीं बदली। थनप्पा के आने का वक्त होने से पहले ही घर के बाहर पट्टी पर आकर बैठ जाता। उसे देखकर थनप्पा को कहना पड़ता, आज भी कुछ नहीं आया, कोई इनाम भी नहीं। रोज का ये सिलसिला था। दरअसल वो व्यक्ति रोज अखबारों में छपने वाली क्रॉस वर्ड की पहेलियां हल किया करता था। उन पर इनाम मिला करता था और उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो इनाम जरूर जीतेगा। लेकिन थनप्पा उसे रोज इनाम न मिलने की खबर देता था और थोड़ी दिलासा भी। दिल छोटा मत कीजिए, कोशिश करते रहिए, इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता। दूसरे को संदेशा देता, इस महीने आपका ब्याज किसी वजह से अटक गया है लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा। फिर अगले घर में पहुंचता, मैडम, हैदराबाद से आपके बेटे की फिर चिट्ठी आई है, अभी कितने बच्चे हैं उसके? अगले दरवाजे पर पहुंचता तो उल्हाना देता, मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मद्रास की इस नौकरी के लिए कब अर्जी भेज दी, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, अब जब मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा ना तो तुम्हें मुझे नारियल की मिठाई खिलानी पड़ेगी। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहता।
खनप्पा हर घर में रुकता, कहीं कहीं तो आधे घंटे तक भी। जिस घर में उसे मनी ऑर्डर डिलीवर करना होता वहां तो जरूर, ऐसे किसी घर से वो तब तक नहीं हटता था जब तक कि पूरा अंदाजा न कर ले कि पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाने वाला है। इसी तरह कभी जब बहुत गर्मी होती तो वो उस दिन किसी न किसी के घर पर गिलास भर छाछ की फरमाइश करने से भी नहीं झिझकता था, फिर वही तसल्ली से बैठकर पीता, इसके बाद ही आगे निकलता। लेकिन कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था, बल्कि सभी उसे पसंद करते थे। उन सबकी उम्मीदों अरमानों का जीता जागता पार्सल जो था, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा। लेकिन इन सभी में खुद थनप्पा एक घर से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था, विनायक मुदली स्ट्रीट का मकान नंबर 10, जहां रामानुजम रहते थे। वे रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस के सीनियर क्लर्क थे। थनप्पा उनके यहाँ करीब एक पीढ़ी से डाक डाल रहा था। कई साल पहले उसकी उनसे जान पहचान हुई थी। रामानुजम की पत्नी गांव में रह रही थी। उस रोज रामानुजम के लिए कोई कार्ड आया था। डाक छाटने की टेबल पर ही उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ गई थी, लिहाजा जैसे ही छटाई का काम खत्म हुआ वो सीधा रामानुजम के घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उनके घर से पहले 150 मकान और थे जहां उसे डाक बांटनी थी, लेकिन उसने उन सबको बाद के लिए छोड़ दिया। उसे तो जल्दी थी रामानुजम के घर पहुंचने की। जैसे ही वो वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाकर जोर की आवाज लगाई, पोस्टमैन सर, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाजा खोला ही था कि वो फिर बोल पड़ा, सर पहले मेरा मुंह मीठा कराइए, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड दूंगा। भगवान ने आपकी इतने सालों की प्रार्थना सुन ली, आप पिता बन गए हैं, लेकिन अब आप शिकायत मत करने लगी है कि ये तो बेटी हुई है। बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, पता है ना, कामाक्षी कितना प्यारा नाम है। कामाक्षी, सालों बाद थनप्पा लंबी व खूबसूरत लड़की से मुखातिब था। जल्दी से अपनी तस्वीर खिंचवा लो। लो ये तो शर्मा गई, अरे तुम्हारे नाना जी का कार्ड आया है, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर मंगाई है। आखिर उन्हें तुम्हारी तस्वीर क्यों चाहिए, शादी वादी का मामला तो नहीं? आजकल कामाक्षी के नाना जी कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी चिट्ठियां लिखने लगे हैं, है ना सर? उसने सामने से आते हुए रामानुजम को चिट्ठी थमाते हुए कहा। रामानुजम ने जब तक लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ नहीं ली, वो वहीं चुपचाप खड़ा इंतजार करता रहा। उसे जानने की उत्सुकता थी कि आखिर चिट्ठी में लिखा क्या है। पत्र पढ़कर रामानुजम के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें देख उसे रहा नहीं गया, तुरंत पूछ बैठा, सब ठीक तो है ना सर? अब वो बरामदे के खंभे के साथ टिक कर खड़ा हो गया था। जो चिट्ठियां बटी नहीं थी उनका बंडल उसकी कांख में दबा हुआ था। वो बेसब्री से रामानुजम के जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी उन्होंने बताया, मेरे ससुर जी को लगता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र नहीं है और उसके लिए लड़का ढूंढने में तेजी नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भी एक दो जगह कोशिश की है, हालांकि वे भी सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं इस दिशा में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बुजुर्ग लोगों की भी अपनी ही परेशानी होती है, थनप्पा ने बीच में अपनी तरफ से जोड़ा। रामानुजम आगे बताने लगे, परेशानी ये है कि कामाक्षी के नाना जी ने उसकी शादी के लिए अपनी तरफ से 5,000 रुपए जमा कर रखे हैं। वे चाहते हैं कि मैं उसके लिए जल्द से जल्द अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दूं। लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, थनप्पा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, जब तक सही वक्त नहीं आता कोई भी कोशिश सफल हो ही नहीं सकती। इस तरह दिन गुजरते गए। थनप्पा आए दिन चिट्ठी लाता और इंतजार करता कि कोई खुशखबरी अब मिले कि तब, लेकिन रामानुजम की ओर से कुछ और ही जवाब मिलते। फिर वही पुरानी थनप्पा, कुंडली नहीं मिली, वे बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, उन्हें लड़की का चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया। चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया? थनप्पा ने तमक कर पूछा, अरे राजकुमारी जैसी दिखती है बिटिया, अंधा ही होगा जिसे वो पसंद नहीं आई। शादियों का ये सीजन भी खत्म होने वाला था, सिर्फ 3 मुहूर्त बाकी थे। आखिरी मुहूर्त 20 मई का था। इधर लड़की भी कुछ दिनों में 17 की पूरी होने वाली थी। उसके नाना की तरफ से आने वाली चिट्ठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। रामानुजम अपनी तरफ से चौतरफा कवायद कर चुके थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। वे निराश हो गए थे
और खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। एक दिन थनप्पा से कहने लगे, ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में दामाद का सुख लिखा ही नहीं है। थनप्पा ने उन्हें ढढ़ास बताते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, भगवान की जब इच्छा होगी। कहते कहते वो कुछ देर के लिए रुक गया, फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोला, एक लड़का है सर, दिल्ली में नौकरी करता है, महीने में 200 रुपए तनख्वाह है, मुकंद नाम है उसका, वो टेम्पल स्ट्रीट है ना, वही उसका घर है, मेरे ख्याल से आपकी ही बिरादरी का है। क्या वाकई? उस लड़के की शादी की बात महीनों से चल रही है, दोनों तरफ से सैकड़ों चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बात अब तक बनी नहीं, शायद पैसे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है। उन्होंने पिछली चिट्ठी पोस्ट कार्ड पर लिखी थी, बहुत गुस्से में लिखी गई थी शायद। मुझे लगता है पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिख भेजना भी किसी को बेइज्जत करने का जरिया हो सकता है, खासकर पिक्चर पोस्ट कार्ड पर। तो और 2 साल पहले जब रजप्पा अमेरिका गया था ना, तो वो हर हफ्ते अपने बेटे को पिक्चर पोस्ट कार्ड पर ही चिट्ठी लिखकर भेजता था। बात करते करते वो विषय से भटक गया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ वो फिर विषय पर लौट आया। कहने लगा, मैं मुकंद से उसकी कुंडली मांग लूंगा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो कुंडली ले आया और रामानुजम को बताया, लड़के के माता पिता भी अभी दिल्ली में हैं, आप उन्हें तुरंत चिट्ठी लिख भेजिए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। रामानुजम और उनके परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी है, लेकिन मैं पहले यहाँ आया क्योंकि इस पर दिल्ली की मोहर लगी हुई है, आप इसे खोलिए और बताइए उन्होंने क्या लिखा है। उस रोज थनप्पा ने आते ही रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा था। रामानुजम ने जैसे ही चिट्ठी खोली तो वो बोल पड़ा, कितने अच्छे लोग हैं, तुरंत जवाब भेज दिया, आखिर उन्हें हमारी बिटिया की तस्वीर पसंद आ गई, और आएगी भी कैसे नहीं, रोज एक चिट्ठी आ रही है, लगता है जैसे ही कामक्षी बिटिया की शादी होगी मुझे आराम करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक दिन उसकी आवाज में उम्मीद दिखती तो दूसरे दिन चिंता। आप लोग अब तक बात ही कर रहे हैं, लग तो रहा था कि बात कल ही पूरी हो जाएगी, भगवान जाने कितनी और मुश्किलें अभी हमें पार करनी पड़ेंगी, तस्वीर पसंद आने भर से कुछ होता ही नहीं है। परिवार में उस दिन किसी अहम मसले पर चर्चा हो रही थी। रामानुजम को लड़के वालों से मिलने के लिए मद्रास जाना था, वे साथ में बेटी को भी ले जाना चाहते थे। लड़का और उसके माता पिता एक दिन के लिए दिल्ली से आ रहे थे, रामानुजम उनकी माँ और पत्नी बातचीत में मशगूल थे, तीनों अपने अलग अलग विचार रख रहे थे, हालांकि स्पष्टता किसी के विचार में नहीं थी। पूरे शहर के लोग हम पर हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम अपनी बेटी को यहाँ वहाँ दिखाते फिर रहे हैं, रामानुजम की पत्नी ने कहा। क्या अजीब तर्क है, अगर तुम इस बेकार की दकियानूसी सोच में उलझी रहोगी तो हम कभी शादी की बातचीत के नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, रामानुजम कह रहे थे। यह हमारा फर्ज है कि जरूरत पड़े तो हम बेटी को दिल्ली भी लेकर जाएं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो फिर कीजिए जो मन में आए, मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है। बातचीत बहस में बदल चुकी थी और कोई नतीजा निकलते हुए नहीं दिख रहा था। तभी आदत के मुताबिक थनप्पा वहां आ पहुंचा, इन दिनों काम खत्म करके रोज ही आ जाता था, आज आया तो वो भी चर्चा में शामिल हो गया। कहने लगा, मैं तीसरा पक्ष हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए, आप प्लीज ट्रेन पकड़कर तुरंत मद्रास चले जाइए, 1 साल से आप लोग लड़के वालों से चिट्ठियों के जरिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो काम इस तरह से अब तक नहीं हो पाया वो आमने सामने की 1 घंटे की मीटिंग में हो जाएगा। मद्रास से चिट्ठी आई है, मैडम मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके पति ने ही भेजी होगी, क्या खबर है, रामानुजम की पत्नी को थनप्पा ने पत्र थमाते हुए पूछा था। वे पत्र खोलकर अभी पढ़ ही रही थी कि वो बोला, आज मेरे हाथ में कुछ रजिस्टर्ड डाक है, मैं उसे बांटकर आता हूँ। वादे के मुताबिक वो जल्दी ही लौट आया और आते ही सवाल दाग दिया, क्या उनकी मुलाकात हो गई? हाँ, कामक्षी के पिता ने लिखा है कि उन्होंने लड़की को देख लिया है और उनकी बातचीत से लग रहा है कि वे लोग तैयार हैं, रामानुजम की पत्नी ने बताया। वाह क्या खुशखबरी है, मैं आज रात ही जाकर अपने विनायक को नारियल चढ़ाऊंगा। लेकिन रामानुजम की पत्नी ने खुशी और चिंता के मिले जुले स्वर में कहा,
एक दिक्कत है। हमें लग ही रहा था कि वे शादी अगले मई के महीने में करना चाहते हैं। लड़के वालों का कहना है कि शादी होनी है तो 20 मई को ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर 3 साल के लिए टल जाएगी। लड़के को कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अपने बुजुर्ग अपनी बात के पक्के हैं। थनप्पा ने रामानुजम के हाथ में उस दिन एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा था, उसमें बीमा की रकम से संबंधित कागज था। उसके बारे में थनप्पा ने ही बताया, उन्होंने पूरे पैसे भेज दिए हैं। अब आप पैसे की कमी की शिकायत नहीं कर सकते। तैयारियां कीजिए, मुझे बेहद खुशी है कि शादी के लिए उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। वैसे भी हमें उनके पैसों से ज्यादा उनके आशीर्वाद की जरूरत है। उम्मीद है उन्होंने अपना आशीष भी भेजा ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, रामानुजम ने कहा, मेरे ससुर जी इस शादी से बेहद खुश लग रहे हैं। मालगुड़ी में किसी शादी समारोह पर 5,000 रुपए खर्च होना उन दिनों बड़ी बात थी। वक्त बहुत कम था। शादी की तैयारियों में रामानुजम का साथ देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए थनप्पा जी जान से उनकी मदद में लगा हुआ था। काम खत्म करके वो पूरा वक्त शादी के इंतजाम में लगा रहता था। उसने डाक बांटने के वक्त अब लोगों से बातचीत करना भी कम कर दिया था। किसी भी घर पर रुकता नहीं था, बाहर से आवाज लगाता, लेटर सर दूर से ही घरों में चिट्ठी डालता और आगे बढ़ जाता। कोई आवाज लगाकर पूछता कि बात क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो कहता, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं 20 मई के बाद आराम से बैठकर आपको सब बताऊंगा। इधर रामानुजम भी बेहद तनाव में थे। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, चिंता के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसे में थनप्पा उन्हें समझाता, चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान की कृपा से आपने उन्हें वो सब दे दिया है जो वे चाहते थे, कैश हो, सामान या मान सम्मान के मुताबिक इंतजाम, और फिर वे भी अच्छे लोग हैं सर। तब रामानुजम अपनी चिंता जताते, वो बात नहीं है, दिक्कत ये है कि ये इस साल शादी की आखिरी तारीख है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतने लंबे वक्त तक शादी के लिए इंतजार करता रहेगा। और फिर शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद चारों तरफ चहल पहल और बाकी सज धज लकदक परिधानों में बने ठने लोग फूलों के साथ चंदन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। हवन की वेदी का पवित्र धुआं भी माहौल में अपना असर घोल रहा था। इस सब के बीच पंडाल के नीचे रखी गई खास कुर्सी पर दिल्ली का एक स्मार्ट सजीला नौजवान दूल्हा बना बैठा था। कुछ लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे उससे बातें कर रहे थे। तभी थनप्पा पत्रों के एक बंडल के साथ सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर कुछ नई उम्र के लड़के उसकी ओर लपके और बोले, पोस्टमैन चिट्ठियां लाए हो, लाओ हमें दे दो। लेकिन थनप्पा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वापस जाओ, मुझे पता है ये लिफाफे किसे देने हैं। इसके बाद वो आगे बढ़कर दूल्हे के पास पहुंच गया। बड़े अदब के साथ उसके हाथ में सभी लिफाफे थमाते हुए बोला, मुझे यकीन है सर कि ये सभी ग्रीटिंग आपके शुभचिंतकों ने आपको बधाई और आशीर्वाद के साथ भेजे हैं। इसमें मेरी ओर से भी एक बधाई पत्र है, आप इन सभी पर एक निगाह जरूर डालिए। वो ये काम करते हुए बड़ा फक्र महसूस कर रहा था। दूल्हे ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। इस पर तुरंत ही थनप्पा ने अपनी बातें आगे बढ़ाई, हम सब आपको इस घर में दूल्हे के रूप में पाकर बेहद फक्र महसूस कर रहे हैं। मैं कामक्षी को बचपन से जानता हूँ, तब से जबकि वो महज एक दिन की बच्ची थी। मैं हमेशा से जानता था कि उसे आपके जैसा ही योग्य पति मिलेगा। इतनी बात कहकर उसने बड़े अदब से दूल्हे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वहां से चला गया दूसरे घरों में डाक बांटने के लिए और किचन में टिफिन व कॉफी के साथ खुद को तरोताजा करने के लिए। शादी के 10 दिन बाद थनप्पा ने एक अदद मुस्कान के साथ दरवाजा खटखटाया और कामक्षी के हाथों में उसकी पहली चिट्ठी सौंपी। बोला, वाह, लिफाफे से क्या शानदार खुशबू आ रही है, मुझे तो ये महक तब से आ रही है जब ये लिफाफा 3 स्टेशन पहले डाक गाड़ी में ही था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सैकड़ों लिफाफे बांटे हैं, लो लो इसे। और याद रखना, जब तक उसकी 10वीं चिट्ठी आएगी ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका होगा और तुम भी उसके साथ पंछी की तरह फुर हो जाओगे, फिर हम सबको भूल जाओगे।
ये थनप्पा, ये गली, सब कुछ है ना। ये सुनते ही कामक्षी लाज के मारे पानी पानी हो गई। झट से उसने थनप्पा के हाथ से लिफाफा छीन लिया और भीतर की तरफ दौड़ गई। पीछे से थनप्पा ऊंची आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि पत्र में क्या लिखा है। फिर एक छुट्टी के दिन थनप्पा को यकीन था कि आज रामानुजम घर पर ही होंगे। वो उनके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और उनके हाथ में एक कार्ड रख दिया। देखते ही रामानुजम के मुंह से आह निकल गई, बुरी खबर है, सलेम में रहने वाले मेरे चाचा बेहद बीमार हैं। वे चाहते हैं कि मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाऊं, मुझे निकलना होगा, उन्होंने बताया। बड़ा दुख हुआ ये जानकर सर, थनप्पा बोला और एक लिफाफा रामानुजम के हाथ में रख दिया, बताया ये टेलीग्राम भी है सर। टेलीग्राम सुनते ही रामानुजम चीख पड़े और जैसे ही टेलीग्राम पर नजर डाली उनका डर सही साबित हुआ। वे तो नहीं रहे, वे वहीं दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। अपने चाचा की मौत की खबर पढ़कर उन्हें गहरा सदमा लगा था, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उनकी दशा देखकर बगल में खड़ा थनप्पा भी बेहद दुखी था। इसी बीच रामानुजम ने खुद को संभाला और भीतर जाने लगे, लेकिन तभी थनप्पा ने पीछे से टोक दिया, एक मिनट सर, मुझे आपके सामने अपनी गलती माननी है, आप प्लीज कार्ड पर छपी तारीख देखिए, 19 मई मतलब 15 दिन पहले की ये चिट्ठी है। जी सर, और उसके ठीक एक दिन बाद ही टेलीग्राम भी आ गया था, उस दिन आपकी बेटी की शादी थी। इस खबर को पढ़कर मुझे बेहद दुख हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जो हुआ सो हो गया और इसे अपने पास ही रख लिया। मुझे डर था कि इसे आपको देने से शादी में अड़ंगा पड़ सकता है। रामानुजम ये सुनते ही थनप्पा पर फट पड़े, वे जब मर रहे थे तो क्या मैं शादी की परवाह करता, या मुझे करनी भी चाहिए थी, कभी नहीं। थनप्पा उनके सामने सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, फिर धीरे से बोला, मैंने गंभीर अपराध किया है, आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, वे मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। इतना कहकर वो मुड़ा और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरकर अपने राउंड पर जाने लगा। तभी पीछे से रामानुजम ने उसे आवाज दी, पोस्टमैन। थनप्पा ने पलट कर देखा, रामानुजम रो रहे थे, भर्राए गले से वो बोले, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा काम किया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ सर, थनप्पा ने जवाब दिया और देखते ही देखते गली में गायब हो गया। रामी बहुरानी। बात पुरानी है, लोगों को न उसके बाप का नाम याद है और न गांव का, इतना ही मालूम है कि उसका नाम रामी था और वो स्याना गांव के मुखिया परिवार की वधू थी। पाली उसकी ससुराल थी, पति का नाम भी न जाने क्या था। रामी जब छोटी ही थी, एक दिन उसके मायके में ढोल बजे, मंगल गीत गाए गए, गांव की बाट से कोई पालकी पर बैठकर आया और दूर चार पहाड़ों से दूर उसे ब्याह कर ले गया। दुल्हन ने नए घर में प्रवेश किया, सास ने बहू को गले लगाया, मंगल गीतों की गायिकाओं ने एक स्वर में गाया, शिव पार्वती को लेकर आया है, सारा घर हर्ष से भर गया। खूब भरा पूरा परिवार था उनका, जेठानी पहले से आई हुई थी, देवरानियां आने को थी, सब मिलकर खेती करते थे। जेठ ने भैंस पाल रखी थी, देवर भेड़े चराया करता था। जीवन में लोभ न था, शोभ न था, किसी का न लेना एक न देना दो। रामी बहुत प्रसन्न थी, दूर से ही जब कभी वो अपने पति को आंखें नीची कर देख लेती थी तो वो मुस्कुरा उठता था, लगता था जैसे जीवन में सावन लहरा गया। पानी से भी मीठी प्यास होती है, वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम सजोए रहे। तभी एक दिन सांझ को घास का बोझ लेकर रामी लौट रही थी तो पेड़ की ओट में खड़े होकर पति ने कहा, मैं कल जा रहा हूँ। रामी सकुचाई, पहले उसने इधर उधर देखा और फिर कहा, कहाँ? परदेश जा रहा हूँ कमाने, पति ने कहा। रामी की आंखों में आंसू छलक आए, पति ने सांत्वना दी, सभी के पति तो जाते हैं, जल्दी लौट आऊंगा, फूलों के साथ जा रहा हूँ, बादलों के साथ लौट आऊंगा। दूसरे दिन वो परदेश को चल दिया, घर के लोगों ने डबडबाई आंखों से विदा दी। पता नहीं वो कौन से देश पहुंचा, उसने वहां क्या किया क्या नहीं किया। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल पर साल बीतते गए, वो प्रवासी नहीं लौटा। माँ उसकी याद में खोई खोई सी रहने लगी, रामी भाग्य को रोती रही। उन्होंने कहा था, बादलों के साथ लौट आऊंगा, तब से न जाने कितने फूल खिले, खिलकर झड़े, वन पर्वतों पर कितने बादल आए और चले गए, पर लौट कर आने को कहने वाला वापस नहीं लौटा। रामी खेतों में काम करती,
कूटती, पीसती, घास काट कर लाती, सब कामकाज करती, पर हृदय उसका दूर प्रदेश में अपने पति को ही खोजता रहता। इतने भरे पूरे परिवार में उसे लगता जैसे कि वो अकेली हो। उसे जीवन भार हो गया, उसकी कोख सूनी ही रह गई और यौवन दो दिन के लिए आया पर उससे रूठा सा रहा। वन में मोर नाचा किसने देखा, मन की कामनाएं मन में ही घुटकर रह गईं। वो तरह तरह की कल्पना करती कि उसका पति परदेश में क्या कर रहा होगा, कमाता होगा, खूब कमाकर घर लौटेगा। कभी सोचती कहीं परदेश में किसी ने लुभा न लिया हो। कभी उसका विचार होता परदेश में कौन अपना होता है, भूख में रोग में कौन किसकी सोचता है, किसी ने मार दिया होगा। और तब वो निराश हो उठती, काश मैं लिखना जानती तो मैं उन्हें घर बुला लेती, पर कोई क्या करता, घर में उसके पत्र ही न आते थे। उधर रामी का पति अपना हाल किसी को बताता ही न था। उसने पैसा कमाया या नहीं भगवान जाने, कमाता भी किसके लिए। घर का मोह उसने छोड़ दिया था, वो पूरे 12 साल बिता चुका था। सोचता जाऊं भी किसके पास, माँ बाप मर चुके होंगे, भाइयों को भी अब उसका ख्याल न रहा होगा। और रामी के विषय में सोचते हुए उसके हृदय में एक सिरहन तो जरूर दौड़ जाती, पर वो सोचता उसने भी ब्याह कर लिया होगा। एक दिन जाने न जाने कैसे फिर उसे घर का ख्याल आया, वे वन और पहाड़ उसकी आंखों में छा गए। सहसा रामी की भोली सूरत उसके सामने उठी और उसे वे दिन याद हो आए जब वे साथ साथ खेतों में काम करते थे, जब सुबह उसकी हंसी सा खिलता था और संध्या उनके प्रेम गीतों से गूंज उठती थी। और उस दिन की याद भी वो न भूल पाया था जब विदा देते हुए वो मुंह छिपाकर रोने लगी थी। उसका हृदय उससे ही विद्रोह करने लगा। आखिर उसने कहा, घर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पर 12 साल बाद इस तरह जाते हुए उसे संकोच था। और फिर उसने सोचा अगर रामी चल गई हो तो घर जाकर होगी क्या होगा, उसे न जाने क्या सूझी। उसने साधु का वेश बना लिया और घर के रास्ते लग गया। कुछ दिन में वो गांव के पास पहुंचा। हर चीज को उसने पहचानने की कोशिश की, वे वन, वे पहाड़, वे नदियां और खेत। रास्ते के नीचे ही उसका अपना एक खेत था, उसमें वो हल चला चुका था। उसने देखा उसमें कोई स्त्री झांगोरा गुड़ रही थी। उसने उसे देखा और रुक गया। उसका रूप रामी से मिलता था। साधु ने पूछा, बहू रानी क्या नाम है, किस गांव की हो। रामी ने उठकर देखा और कहा, बटोई मुझे क्यों पूछते हो, किंतु गांव का शिष्टाचार था, उसे अपना परिचय देना पड़ा। मैं रावतों की बेटी हूँ, पाली गांव के सेठों की बहू हूँ, रामी मेरा नाम है। रामी का नाम सुनते ही साधु की बात पक्की हो गई। जेठ की दोपहरी थी, अकेली उसे काम करते देख उसे दया हो आई। और कहाँ गए हैं, साधु ने पूछा। रामी ने बताया कि सब घर पर हैं, जैसे ये कहने जा रही हो कि उसका पति होता तो उसे भी कौन इस दोपहर में काम करने को कहता। रामी को सहसा पति की याद आ गई, उसके हाथ का कुटला छूट गया और उसकी आंखों में आंसू छल छला उठे। साधु ने मौका ताका और तपाक से कहा, रानी रोती क्यों हो, जवानी क्यों खो रही हो, आप पेड़ की छांव में बैठे। रामी चिढ़ी, उसने लाल लाल आंखें की और बोली, जोगटा कहीं का, तेरे साथ मैं क्यों बैठूं, तेरे साथ तेरी बहन बैठेगी। साधु मुस्कुराया और गांव की ओर चला गया। अपने घर के आंगन में पहुंचते ही उसने अलख निरंजन पुकारा। अंदर से बुढ़िया माता दौड़ी आई। बुढ़िया साधु संतों को बहुत मानती थी, उनसे अपने लड़के की बात भी पूछती थी। इस साधु से भी वही प्रसंग छिड़ गया, पर साधु को भूख लगी थी। उसने कहा, माई पहले मेरे लिए खाना बनवाओ, मझली बहू चावल पकाएगी तब खाऊंगा, नहीं तो नहीं। बुढ़िया ने बहू को पुकारा, रामी आई तो देखा वही जोगी बैठा था। उसने कहा, सास जी तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं इस जोगटे के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, इसने मुझे खोती गालियां दी हैं। साधु ने आंखें तरेरी जैसे शाप देगा। बुढ़िया ने बहू को समझाया, रामी खाना बनाने लगी। बुढ़िया साधु से बातों में लग गई। बुढ़िया ये जानकर खुश हो रही थी कि उसका बेटा लौट आएगा। रामी अंदर चूल्हे के पास बैठी साधु के कहे पर कुड़ रही थी। आज उसने अचानक उसके हृदय पर ठेस लगा दी थी, सोया शेर जैसे जाग उठा था। कल ही उसने सपने में अपने पति को देखा था जैसे वो घर लौट आने को कह रहा था। खाना बना तो रामी ने उसे मालू के चौड़े पत्तों में परोस दिया। साधु ने देखा तो वापस मुड़ने लगा और कहा, खिलाना है तो अपने पति की थाली में खिलाओ। रामी के शरीर में जैसे आग लग गई, बोली, नहीं खाता तो मत खा, बहुत से जोगटे तो दिन भर घूमकर भी भीख नहीं पाते और तू। साधु उसके क्रोध पर मुस्कुराया
वहां से उठा और बुढ़िया के पास पहुंचा। उसके चरणों में गिरकर बोला, माँ मैं ही तेरा पुत्र हूँ। माँ ने उसे गले से लगा लिया। रामी देखती रह गई। सास ने कहा, देखती क्या है, मेरे बेटे को खाना खिलाना। रामी ने पति की थाली में खाना परोसा। साधु खाना खाने बैठा। रामी की आंखें आंसुओं से भर आई, जैसे सावन में बादल भर आते हैं। कितने निर्मोही बने रहे तुम, उसने कहा। न जाने कितने भाव आ आकर उसके गले पर रुक रहे थे, वो कह नहीं पाई, केवल आंसू बहते रहे। आखिर उसने कहा, और ये जोगी का भेष। पति ने रामी के आंसू पोंछे और कहा, आज से तू मेरी जोगन और मैं तेरा जोगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तब से वे कभी नहीं बिछड़े और आनंद से रहने लगे। कहानियां। तीन बूंद खून। टॉम एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी नानदीप अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो रहती थी झोपड़ी में, पर सपने देखती थी महलों के। हमेशा सोचती थी, मैं एक गरीब किसान की पत्नी क्यों हुई। टॉम जी जान से उसे प्यार करता था। अचानक एक दिन नानदीप को तेज बुखार हो गया। बेचारे टॉम ने बहुत इलाज किया, पर नानदीप बच न सकी। टॉम उसके दुख से पागल सा हो उठा। जब लोग उसकी पत्नी का शव क्रियाकर्म के लिए ले जाने लगे, तो उसे रहा नहीं गया। टॉम ने उनसे नानदीप का शव छीन लिया। वो उसे एक छोटी सी नौका में रखकर विशाल सागर में निकल पड़ा। काफी देर बाद नौका एक छोटे से द्वीप के किनारे जा लगी। द्वीप पर एक विचित्र सुगंध फैली थी। उस सुगंध से खिंचा खिंचा टॉम नाव को किनारे छोड़ द्वीप पर बने पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़े साधु धुनी रमाई बैठे हैं। तभी साधु ने आंखें खोली और टॉम को देखकर मुस्कुरा दिया। टॉम को लगा जैसे उस मुस्कान में ताजी हवा के झोंकों का स्पर्श हो। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं स्वास्थ्य का देवता हूँ। इतना सुनते ही टॉम उनके पैरों पर गिर पड़ा। उनसे नानदीप को जीवित कर देने की प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, टॉम मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। टॉम तो केवल नानदीप को ही जीवित देखना चाहता था। उसे शिष्य बनकर क्या लेना था। स्वास्थ्य के देवता ने उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस न हुआ। आखिर वो टॉम की पत्नी को पुनः जीवित करने को तैयार हो गए। वो टॉम के साथ नीचे नाव तक आए। उन्होंने टॉम को एक सुई दी और कहा, तुम इस सुई को अपनी उंगली में चुभाकर खून की तीन बूंदे अपनी पत्नी के शव पर डालो। टॉम ने वैसा ही किया। खून की तीन बूंदे पड़ते ही नानदीप की आंखें खुल गई। टॉम खुशी से नाच उठा। स्वास्थ्य के देवता ने नानदीप से कहा, तुम सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हें टॉम जैसा पति मिला है। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम देवता की तरह उसकी पूजा करना। टॉम नानदीप के साथ उसी नौका में बैठकर घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में नौका को एक द्वीप के किनारे लगा। टॉम बस्ती में खाने पीने का सामान लाने गया। उसी समय वहां एक राजकुमार की नाव आकर रुकी। राजकुमार की नाव बहुत बड़ी और शानदार थी। राजकुमार ने नानदीप को अपनी नौका पर बुलाया तो वो खुशी खुशी चली गई। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नानदीप भला और क्या चाहती, कहां टॉम की छोटी सी साधारण नाव और कहां पानी में तैरता राजमहल। नानदीप ने फौरन स्वीकृति दे दी। जब टॉम सामान लेकर लौटा तो नौका में नानदीप को न पाकर सिर धुनने लगा। उसे किनारे पर खड़े लोगों से पता चला कि नानदीप किसी राजकुमार की नाव पर बैठकर चली गई है। टॉम राजकुमार की नाव की खोज में निकल पड़ा। पूरे एक मास पश्चात वो उसे ढूंढ पाया। उसने नानदीप से घर लौटने को कहा, परंतु नानदीप अब राज से जीवन व्यतीत कर रही थी। वो भला गरीब टॉम के साथ कैसे और क्यों जाती। टॉम ने उसे याद दिलाया, तुम तो मर चुकी थी, मैंने ही तुम्हें अपना तीन बूंद खून देकर नया जीवन दिलाया था, क्या तुम ये भी भूल गई हो। इस पर नानदीप को गुस्सा आ गया। उसने अपने केशों से एक पिन निकाला और अपनी उंगली में चुभोते हुई बोली, तुम्हें अपने खून की तीन बूंदों का इतना ही घमंड है तो ले जाओ उन्हें। नानदीप की उंगली से तीन बूंदों का गिरना था कि वो धरती पर लुढ़क गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कहते हैं कि नानदीप की आत्मा ने धरती पर मच्छर के रूप में जन्म लिया है। मच्छर हर आदमी के कान के पास जाकर घूंघ घूंघ करता हुआ जैसे कहता है, मुझे क्षमा कर दो, कृपा करके खून की
वो तीन बूंदे मुझे फिर से दे दो, फिर से दे दो। कहानियां तू ऐसे पछताएगी जैसे एक सौदागर था। तब पुराना जमाना था, आज की तरह न रास्ते थे न सुरक्षा का प्रबंध। सौदागर साहसी युवक था, कई व्यापार यात्राएं कर चुका था, इसलिए इस जीवन का अनुभव भी उसे कम न था। एक बार जब वो ऐसी ही यात्रा कर रहा था तो एक घनघोर जंगल में उसे रात हो गई। चांदनी छिटकी न थी इसलिए रास्ता साफ साफ नजर न आता था, पर तभी उसे पहाड़ की चोटी पर रोशनी दिखाई दी और आबादी का अनुमान लगाकर वो उसी ओर चला गया। आखिर उसे एक झोपड़ी मिली। सौदागर ने आवाज लगाई, जगह मिलेगी? एक बुढ़िया बाहर निकली और रुखाई से बोली, कौन है? सौदागर ने अपना परिचय दिया। सौदागर बुढ़िया के मुंह से निकला और उसमें अचानक एक मुलायमी आ गई, बोली, आओ ना, तुम्हारा ही घर है। सौदागर अंदर चला गया। झोपड़ी अच्छी थी, केवल दो ही प्राणी उसमें रहते थे, एक वो बुढ़िया और दूसरी उसकी 18-19 साल की लड़की। लड़की उस समय खाना बना रही थी। आग की लाल सफेद रोशनी में उसका चेहरा बुरांस के फूल सा दबक रहा था। सौदागर कभी उसके चेहरे के बदलते रंग देखता और कभी उधर से दृष्टि फेर लेता। खाना बना, लड़की ने बड़े प्रेम से खाना परोसा, किंतु सौदागर ने उसका खाना नहीं खाया। मैं दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाता, उसने कहा, और अपने सत्तू की दो मुट्ठी खाकर ही उसने संतोष कर लिया। बुढ़िया और लड़की उसकी चालाकी का लोहा मान गई। सौदागर इस बात को प्रकट न होने देना चाहता था, इसलिए उसने उनसे खूब बातें की, इधर उधर के रास्ते पूछे और उसके बाद दूसरी तरफ सोने को चल दिया। बुढ़िया और उसकी बेटी ने जाने चुपके चुपके क्या बातें करती रही। सौदागर को लगा जैसे उसके संबंध में ही बातें कर रही हो। पत्थर पर छुरे को तेज करने की आवाज भी उसके कानों में पड़ी और वो शंकित हो उठा। सोचने लगा, हो ना हो दाल में कुछ काला है। फिर भी वो आंखें मूंदे नींद लाने का बहाना करता रहा, पर नींद फिर भी ना आई। आई बुढ़िया की वो लड़की और वो सिहर उठा। अभी सो गए क्या? लड़की ने पूछा और बगल में बैठ गई। सौदागर पहले से ही शंकित था, उसका ध्यान लड़की पर नहीं लड़की के इरादे पर अधिक था। लड़की उसे बातों में ही लुभाने की कोशिश कर रही थी। तुम हमारे मेहमान हो, तुमने हमारे घर खाना नहीं खाया, ऐसी ही बहुत सी बातें की। पर सौदागर पहले से ही काखड़ बना था, बोला, ऐसी बातें क्यों बनाती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम धन के लोभ में मुझे मार देना चाहती हो? लड़की ने कहा, ना। खैर, सौदागर बोला, जैसा भी हो एक बात बता दूं कि तू मुझे मारकर ऐसे पछताएगी जैसे गरीब कर्जदार अपने कुत्ते को मारकर। क्या कहा? लड़की के हृदय में उत्सुकता जागी। वो सौदागर को किसी लोभ के लिए मारना चाहती थी, पर कर्जदार का अपने कुत्ते को मारकर पछताने की बात उसे विचित्र लगी, इसलिए वो सौदागर को पूछे बिना न रह सकी। कर्जदार अपने कुत्ते को मारकर कैसे पछताया था? रहने भी दो, सौदागर ने कहा, तुम्हें तो मारने से मतलब, तुम पछताओगी क्यों? लड़की सौदागर के पीछे पड़ गई। वो चाहता भी यही था, आखिर उसे कहना ही पड़ा। एक गांव में एक गरीब किसान था, उसका एक प्यारा कुत्ता था। अपने बच्चों की तरह ही उसने उसे पाला पोसा था। कुत्ता भी बड़ा स्वामी भक्त था, आसपास कई मील तक ऐसा कुत्ता न था। एक दिन उस गरीब के घर साहूकार अपना कर्ज वसूलने आया। कुत्ते पर उसकी नजर पड़ी और वो उसके मन में भाग गया। आखिर उसने कर्जदार से कहा, इस कुत्ते को कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। बेचारा गरीब कुत्ते को देना तो नहीं चाहता था, पर साहूकार के कर्ज से दबा था, मना भी न कर सका। आखिर यही हुआ कि साहूकार कुत्ते को ले गया। लड़की बीच बीच में हां हां कहती गई। सौदागर कहानी सुनाता गया। उसी बीच साहूकार के घर में चोर घुस आए। कुत्ता भौंका, घर के लोग जाग नहीं पाए, चोर अपना काम कर चले गए। कुत्ते ने फिर भी उनका पीछा न छोड़ा, पर वो कर ही क्या सकता था। वैसे वो चोरों की जगह तक पहुंचकर लौटा था, फिर भी साहूकार कुत्ते पर झुंझलाया। कुत्ता अच्छा होता तो, पर कुत्ता परेशान था, चाहता था कोई उसके साथ चोरों के डेरे तक चले। इसलिए वो साहूकार के सामने जाकर पूंछ हिलाता, कूं कूं करता हुआ आगे बढ़ता, फिर पीछे मुड़ता।
अपनी बात को समझाने में वो परेशान दिखता, पर जब बार बार ऐसा ही करता रहा तो साहूकार ने सोचा इसमें कोई बात अवश्य है। अब की बार वो कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया। कुत्ता एक गुफा के सामने जाकर रुका। साहूकार ने अंदर झांक कर देखा तो अपनी चोरी हुई चीजों के सिवा उसे कितना ही माल असबाब दिखाई दिया। साहूकार ने जो कुछ था सब उठाया और चल दिया। उस वक्त चोर वहां न थे। लड़की ने पूछा, नहीं सुनो भी, सौदागर ने कहा। साहूकार कुत्ते से बहुत खुश हुआ। अब उसकी और उसका प्रेम और भी बढ़ गया। वो उसे कुछ दिन के लिए लाया था, अब हमेशा के लिए चाहता था। उसने तभी कुत्ते के मालिक अपने गरीब कर्जदार को चिट्ठी लिखी कि इस कुत्ते ने मेरा बड़ा उपकार किया है, बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया जाता है। और कागज की वो पर्ची कुत्ते के गले में बांधकर उसने उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। लड़की ने हुंगारे देने छोड़ दिए। सौदागर ने आवाज धीमी की। गरीब कर्जदार ने जब दूर से ही अपने कुत्ते को लौटते देखा तो उसका खून खौल उठा। रण से वापस लौटे सिपाही का मुंह कौन देखना चाहता है? थूका हुआ थूक कौन चाटता है? कुत्ते को उस घर से भागकर आते जान उसने उस पर पत्थर की ऐसी चोट मारी कि कुत्ता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, लहू की धारे निकल पड़ी। सौदागर ने देखा लड़की ऊंघने लगी थी। अपनी कथा उसने फिर भी अधूरी न छोड़ी। जब कुत्ता मर गया तो गरीब कर्जदार ने करुणा से उसकी लाश को देखा, पर दूसरे ही क्षण उसकी दृष्टि उसके गले में बंधे कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे खोला, पढ़ा और सन्न रह गया। वो अपने किए पर इस तरह पछताया कि सौदागर चुप हो गया। लड़की पूरी तरह सो चुकी थी। सुप्तावस्था की सरलता उसके चेहरे पर थिरक रही थी। छाती में छिपाया हुआ छुरा अब बाहर निकल आया था। सौदागर चुपके से उठा और उसने उसे निकाल लिया। तब वो एक विजय की हंसी हंसा और फिर सो गया। लड़की भी ऐसी सोई कि उसने बीच में जागने का नाम न लिया। और जब जागी तो सौदागर रास्ते लग चुका था। कर्जदार कुत्ते को मारकर भी उतना न पछताया होगा जितना कि अपनी असफलता पर वो लड़की पछताती रही। सुनते रहो दिल से यही कहानियां आपकी हमारी और सबके, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।